तो आज हम बनाएंगे व्रत में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी और सिंपल तरीके से आलू, जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ये 250 ग्राम आलू लिया है, मैंने इसे उबाल करके, छील करके और इसे तोड़ करके रख लिया है। आप जिस साइज में चाहें, छोटा या बड़ा साइज, इसे काट सकते हैं या फिर हाथ से फोड़ सकते हैं। तो मैंने इसे बनाने के लिए गैस पर पैन रख दिया है और गैस को मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे घी, क्योंकि हमें व्रत के लिए बनाना है आलू, तो इसके अंदर हम घी डालेंगे। तो 2 चम्मच इसके अंदर हमने घी डाल दिया है। तो घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे जीरा, हमने 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, इसे हम डाल देंगे। इसे हल्का सा ब्राउन होने देंगे, आज को हमने मीडियम रखा है। और इसी साथ इसमें हम 2 हरी मिर्च को छोटे टुकड़े में काट लिए हैं, इसे डाल देंगे। और 1 अदरक का टुकड़ा है, इसे मैंने लंबे लच्छों में काट लिया है, इसे डालेंगे। और इन सारी चीजों को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। तो ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर ये कटे हुए टमाटर डालेंगे। मैंने 1 मीडियम साइज के टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, टमाटर हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर आलू डालेंगे। तो टमाटर हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। ये उबली हुई आलू है, इसे बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तो क्योंकि हम व्रत के लिए आलू बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें हल्दी नहीं डालना है। और बहुत लोग लाल मिर्च पाउडर भी नहीं खाते हैं, तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाला है, इसे मिला लेते हैं। और इसके ऊपर से डालेंगे ये काली मिर्च का पाउडर है, 1 छोटा चौथाई चम्मच है, मैंने इसे पीस लिया है, इसे डाल देंगे। और हम इसके अंदर डालेंगे सेंधा नमक, ये व्रत वाला नमक है, तो इसे हम आलू के अंदर डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आज चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भून करके डाल सकते हैं, मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद है इसके अंदर डाल सकते हैं। आप अनार के दाने भी ऊपर से डाल सकते हैं। हम एक सिंपल सी आलू बना रहे हैं व्रत में खाने के लिए, जो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर भून लेंगे, तो आलू हमारी सूंधी हो जाएगी, तो खाने में और टेस्टी लगेगी। तो ये आलू हमारी अच्छी तरीके से भून चुकी है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया और इसे मिला लेंगे। और हमारी बहुत ही टेस्टी सी व्रत में खाने वाली आलू बनकर तैयार हो गई है। बस इसे मिक्स कर लेंगे और ये आलू हमारी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो गर्मा गर्म आलू को हम प्लेट में निकालते हैं। तो ऊपर से हम थोड़ी सी हरी धनिया डाल देते हैं कटी हुई, और हमारी व्रत में खाने वाली आलू बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस तरीके से व्रत के लिए आलू बनाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए। तो मैंने तरह तरह की रेसिपी बनाई है व्रत के लिए, आपको उसका लिंक वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और पूरे 9 दिन के लिए अलग अलग तरह की रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।